अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तब आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो आधार कार्ड आपके पास प्लास्टिक कार्ड फॉर्मेट में होता है, यानी फिजिकल फॉर्मेट में होता है, अगर वो लॉस्ट हो गया है तो आपको करना कुछ नहीं है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप जाइए, उसमें डाउनलोड आधार कार्ड का एक ऑप्शन है। जब आप डाउनलोड आधार कार्ड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, वो एसोसिएट होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल नंबर से वो एसोसिएट है तो फिर आपका आधार कार्ड कहीं नहीं जाएगा, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप UIDAI पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, इसमें डाउनलोड आधार कार्ड नाम से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको अब तक अपना आधार कार्ड या नंबर जो है, जो 12 डिजिट का नंबर है, वो याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो उसे सेव करके रख लीजिए, जीमेल के ज़रिए रख लीजिए। ये आपके मोबाइल फ़ोन की तरह है, आपको इसका नंबर याद रहना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं नोट करके रख लीजिए। जब आप डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तब आपको आधार नंबर देना होगा, 12 डिजिट आधार नंबर, जैसे कि इस वेबसाइट पर जाएंगे और एक कैप्चा नंबर आएगा। कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर वो OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, और वो OTP आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो खुल जाएगा। उसे खोलने के लिए एक ऑप्शन और है। ऑप्शन ये है कि आपको जो आपका नाम है, आपके नाम के जो चार अल्फ़ाबेट्स हैं, पहले चार अल्फ़ाबेट्स, वो और आपका जब जन्म हुआ था वो डालकर आपको अपना आधार कार्ड ओपन करना है। और फिर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, उस डाउनलोड के ऑप्शन को आप दबाइए, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। रिक्वेस्ट ये कि जो आपका फिज़िकल आधार कार्ड लॉस्ट हो गया है, खो गया है, आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा आएगा आपके पास आधार कार्ड, क्योंकि आपको सिंक्रनाइज़ करने की ज़रूरत है अपने मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ आधार कार्ड को, तो वो प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। तो पैनिक मत करिए, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो उसे वेबसाइट के ज़रिए वापस लाया जा सकता है।